नमस्ते दोस्तों, मैं सुशांत, आप सभी का स्टार इन्फोटेक में स्वागत है। तो परसों हमने एक वेल्डिंग के बारे में वीडियो डाला था, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए कि सर पिछले बैच के जो स्टूडेंट थे उसका वीडियो क्यों डाला नहीं है। तो मैं सभी को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पिछले बैच में सिर्फ दोस्तों दो ही स्टूडेंट थे, यानी कि वेल्डिंग का कोर्स जो है सिर्फ पहली बैच ही निकल चुका है, मतलब दो महीना ही चालू हुआ है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है 2017 से चालू है, जैसे कि पहले हमने 2017 में CNC का कोर्स चालू किया, उसके बाद अभी हमारा VMC चालू हुआ और फिर बाद में अभी दो महीने पहले ही हमने चालू किया है वेल्डिंग। तो दोस्तों पहले बैच में इतने ढेर सारे स्टूडेंट आएंगे नहीं, जैसे कि हमारे पास CNC और VMC के लिए जो आते हैं स्ट्रेंथ में स्टूडेंट आते उतने वेल्डिंग में पहले बैच में आने वाले है ही नहीं, है ना। तो ये दो स्टूडेंट थे लेकिन उनका वीडियो क्यों बनाया नहीं है, क्योंकि उनके मर्जी के खिलाफ या उसके मन के खिलाफ हम उनका वीडियो बना नहीं सकते, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए उसकी परमिशन भी चाहिए। तो उन्होंने वीडियो बनाने के लिए ना कह दिया, इसलिए उनका वीडियो हम बना नहीं पाए। लेकिन ये ट्रेनिंग चालू होकर सिर्फ दो महीने हुए। तो वेल्डिंग में जैसे कि हमने बताया था कि आर्क को आर्क टीक मिग तीनों वेल्डिंग सिखाए जाएंगे, उस प्रकार आपको ऑलरेडी ट्रेन किया जाएगा। और जिन्होंने दो स्टूडेंट थे वो ऑलरेडी जॉब पे भी ज्वाइन हो चुके, उनका काम अभी कंपनी में चालू है। तो जैसे हमने प्लेसमेंट का मतलब बताया आपको, 100% प्लेसमेंट मिलता है। हाँ दोस्तों, आपको 100% प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। और कुछ मेरे स्टूडेंट का सवाल ऐसा है कि सर इसमें करियर है कि नहीं, ग्रोथ है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें करियर है, आप इसमें अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं। वेल्डिंग ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप कहीं पे भी जाओगे वेल्डिंग का इस्तेमाल होता ही है, वेल्डिंग का इस्तेमाल किया ही जाता है, वेल्डिंग यूज़ होता ही है। तो वेल्डिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकते हो, फैब्रिकेशन सेक्टर में जा सकते हो, शिफ्ट बिल्डिंग में जा सकते हो, पाइपिंग में जा सकते हो, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है जहाँ पे वेल्डिंग का काम चलता है। इसमें आपको आर्क टीक मिग ऐसे तीन प्रकार के मैक्सिमम वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर मैं 8 घंटा ड्यूटी कर नहीं पाऊँगा, 12 घंटा ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसे भी लोग जो है जिनको ड्यूटी नहीं करना है, काम नहीं करना है, वो खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं। वेल्डिंग का कोर्स करने के बाद खुद का बिजनेस करने के लिए ज़्यादा इन्वेंटरी की ज़रूरत होती नहीं है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए नहीं है। चाहिए क्या आपको, एक मशीन, जैसे कि ये देख सकते हो इन्वर्टर बेस्ड मशीन है, ये आप हाथ से उठाकर कहीं पे भी लेके जा सकते हो। इसके बाद आपको चाहिए क्या, चौपसा मशीन, जो कि आपके पाइप्स रॉड्स होते हैं उसको काटने के लिए चौपसा मशीन चाहिए। और वेल्डिंग लगाने के बाद उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा वेल्डिंग होता है उसको घिसने के लिए आपके पास चाहिए ग्राइंडर। सिर्फ 3 मशीन्स, यानी कि मशीन, वेल्डिंग का मशीन, ग्राइंडर और चौपसा मशीन, 3 मशीन के ऊपर आपका बिजनेस चालू हो सकता है। और उसके लिए ज़्यादा इन्वेंट्री की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हो। आप कहीं भी गांव में भी आपका खुद का बिजनेस खोल सकते हो। जैसे कि गांव में देखोगे तो बाहर घर के बाहर छत लगाया होता है या फिर घर का छत होता है, वो आप बना सकते हो। छोटे मोटे गाँव में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जिसको आपको वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी आप वेल्डिंग कर सकते हो। यानी कि दोस्तों आप खुद का भी बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो। तो जिन स्टूडेंट को एक कोर्स करना है, जिन स्टूडेंट को ये सीखना है, वीडियो के नीचे मैंने अपना नंबर दिया है, अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू।